पुलिस को लेकर आमजन में अक्सर अच्छी सोच नहीं रहती है, लेकिन दिल्ली पुलिस में तैनात सिपाही थान सिंह जैसे पुलिसकर्मी इस सोच को बदलने की दिशा में शिद्दत से काम कर रही है। कानून व्यवस्था तो दुरुस्त रखने के साथ ही शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास करने में जुटे हैं, ताकि ये गरीब बच्चे अपराध के दलदल में ना जाकर देश के विकास में अहम स्थान दे सके। थान सिंह लाल किला पुलिस चौकी में सिपाही के पद पर तैनात हैं। यहाँ उनकी नियुक्ति लगभग 10 सालों से है। यहाँ पर ड्यूटी के दौरान उन्हें ऐसे बाल अपराधी भी मिलते थे जो गलत रास्ते पर चलते हुए जेब तराशी, चोरी, नशाखोरी समेत अन्य अपराधों में लिप्त थे। साथ ही कई ऐसे बच्चे जो कूड़ा बीनते थे या चाय बेचते थे। इन सभी बच्चों के जीवन में कोई दिशा नहीं थी। ये बच्चे अमूमन झुग्गी झोपड़ी और गरीब घरों से थे। थान सिंह ने इस तरह के बच्चों को अपराध की दुनिया में आगे जाने से बचाने और उनके जीवन को एक दिशा देने के लिए शिक्षा की लौ जलाने का काम किया है। वह लाल किला की पार्किंग में स्थित मंदिर में पाठशाला लगाते हैं। उनकी ये पाठशाला थान सिंह पाठशाला के नाम से मशहूर है। पाठशाला में पढ़ रहे बच्चे उन्हें प्यार से खाकी वर्दी वाले मास्टर जी कहकर पुकारते हैं। उनकी पाठशाला से अब तक 200 से अधिक बच्चे शिक्षित हो चुके हैं। मौजूदा समय में उनकी इस पाठशाला में 50 से अधिक बच्चे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए प्यार एसटी न्यूज़। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।